वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ, यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी हाउ टू लेवल अप, इतना जल्दी लेवल इंक्रीज कैसे करें, फिर मेरी वीडियो अलग उनसे कैसे हुई। तो बस इसका एक ही जवाब है, वीडियो को एंड तक देखो एंड उसके बाद लास्ट में तुम खुद डिसाइड करना कि मेरी वीडियो उनसे अलग थी या उनके जैसी सेम थी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलो करते वीडियो स्टार्ट। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ टेक इशू। एंड गाइज वापस से आ गया हूँ एक और वीडियो लेके। सो गाइज इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हो 5x स्पीड से, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, बहुत सिंपल सी, जो बहुत सारे लोग को पता होगी, बहुत को नहीं पता होगी। अब जिनको नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ आगे। तो फिलहाल उससे पहले मैं आपको बता दूँ, डोंट जज ए पर्सन बाय इट्स लेवल, ठीक है। अब थोड़ी यहाँ पे मैंने इंग्लिश झाड़ी दी है तो मैं बता देता हूँ इसका मतलब कि किसी को उसके लेवल से यार जज नहीं करना चाहिए। कभी कभी 50 लेवल का प्लेयर भी वो कर जाता है जो 80 लेवल का प्लेयर नहीं कर सकता, 80 छोड़ो 60 लेवल का प्लेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज के गेम में कॉमन हो गया है कि जिसका 60 से कम लेवल रहेगा उसको मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब नूबड़ा है, बॉट है, ऐसा समझते हैं बहुत लोग, समझते हैं बहुत लोग नहीं समझते, जो नहीं समझते बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर आपको भी अपना लेवल बढ़ाना है, ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रिक क्या है, अभी दिखाता हूँ। वॉल्ट में मेरे आप देखो पावर अप्स में एक कार्ड हमेशा पड़ा रहता है, ये एक्सपीरियंस कार्ड आपका बहुत काम का है, ठीक है। पूरा बात सुनना, अभी वीडियो स्किप मत करना। जो आप देख रहे हो ये एक्सपीरियंस कार्ड, ये 50% वाला, 50% वाला अपने तरफ से मैं बताऊँ कोई काम का नहीं है, ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा, मगर ये आपको फ्री में मिलता है, ठीक है। तो इसको ले लो, फ्री की चीज़ कौन छोड़ता है, ये आपको बहुत जगह मिल जाएगी, आपको गिल्ड में डेली लॉगिन करने पे यहाँ पे देखने को मिलता है। जस्ट वेट है, ओके। सो गिल्ड में आपको डेली ट्यूजडे को लॉगिन करने पे आपको यहाँ पे मिलता है, फिर आपको रैंक खेलने पे प्लेटिनम में जब आप रहोगे तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो बहुत सही चीज़ है, ठीक है, फ्री का माल है तो उठा लो। एंड उसके बाद अब बात आती है कि इससे उतना फ़ायदा नहीं होता है, मेन फ़ायदा किससे होता है, तो आपको दिखाता हूँ स्टोर में। ले भाई आइटम। सो ये देखो एक्सपीरियंस 100% 7 दिनों के लिए, जो 100 डायमंड्स में आपको देखने को मिलता है, इससे फ़ायदा होता है। तो मैं आपको ये कैसे दूंगा भाई, देखो पूरा वीडियो देखना, मैं बता रहा हूँ कि आपको ये कैसे मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो आपको अपना जो मेन अकाउंट है, ठीक है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको लॉगआउट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड ये क्लिक करके आपको बैक आ जाएगा। तो आप पूरा बात सुनना, ठीक है, वीडियो को स्किप मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली गेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको गेस्ट से लॉग इन कर लेना है। एंड गेस्ट से लॉग करने पे गाइज हो सके आपके आपका नया गेस्ट अकाउंट बने, हो सके आपका पुराना गेस्ट अकाउंट हो, तो आपको अगर पुराने गेस्ट अकाउंट को रिमूव करना है तो उसकी मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है, कैसे हर बार पुराने गेस्ट अकाउंट को रिमूव करें। सो यहाँ पे देख सकते हो ये गेस्ट अकाउंट मेरा खुल गया। एंड यहाँ पे आप गेस्ट अकाउंट में क्या नोटिस कर रहे हो, मेरे पास इसमें 300 डायमंड है। तो मेरे इस गेस्ट अकाउंट में 300 डायमंड आए कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप एक नया गेस्ट अकाउंट बना के उसमें लॉग इन करते हो और उसमें आप एक गेम खेलो या फिर आप नया गेस्ट अकाउंट बनाओगे तो ये पहला गेम आपको खेलने को देता है, डायरेक्ट रिडायरेक्ट आपको पहले गेम पर ले जाता है। तो आप जैसे पहला गेम खेल के बैक आते हो तो आपको खेलना भी नहीं है, बस पहला गेम में जाओ, बैक आ जाओ, तो आपको एक स्पेशल एयर ड्रॉप देखने को मिलता है। वो स्पेशल एयर ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो स्पेशल एयर ड्रॉप आपको 10 रुपये में 300 डायमंड देता है या फिर 10 रुपये में 100 डायमंड देता है। अगर 10 रुपये में 100 डायमंड आपको दे रहा है तो आपको उसको नहीं लेना है, परचेज नहीं करना है, कुछ दिन वेट करना है, ठीक है। कुछ दिन वेट करोगे मतलब इस गेस्ट आईडी को फिर से लॉग आउट कर देना एंड फिर कुछ दिन वेट करना एंड फिर से इसको इसी गेस्ट आईडी को लॉग इन करके फिर से खेलना, आपको 10 रुपये में 300 डायमंड देखने को मिलेंगे। तो आपको सिंपली 10 रुपये में 300 डायमंड परचेज कर लेना है, ठीक है। अब बात आती है कि आप 10 रुपये कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो 10 रुपये देखो अभी गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड है, पहला मैं आपको बता रहा हूँ गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड है। फिर दूसरा ऐसे बहुत सारे साइट है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स हो गए, फिर भी और भी बहुत सारे, जहाँ से 10 रुपये बहुत कॉमन है यार, मतलब मैं बताऊँ आप 2 दिन के अंदर वहाँ से 10 रुपये कमा लोगे और विड्रॉ कर लोगे, ठीक है। गेम्स खेलो, बहुत सारी साइट है ऐसे जो आपको 10 रुपये दे देंगे, गेम्स ऑप हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हो। एंड उसके बाद अब आप बोलोगे कि भाई तो गेस्ट अकाउंट से मेन अकाउंट में कैसे करेंगे, तो गाइस अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप गेस्ट से इसको मेन अकाउंट में सेंड कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको गिफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है।
मालूम है, काफ़ी कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ मगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है लेवल अप बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे गिफ्ट पे क्लिक करोगे, गिफ्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे आइटम में, तो यहाँ पे देख सकते हो वही एक्सपीरियंस कार्ड है, ठीक है, 100 डायमंड में। आपको यहाँ से गिव करना है एंड अपने जो भी फ्रेंड है उस पर क्लिक करना है जो ऑनलाइन रहे, ठीक है, मतलब 10 लेवल से ऊपर रहना चाहिए। अभी तो ये आईडी मैंने हाल ही में बनाया है, मैं इसका लेवल अप कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे अभी 8 लेवल हो गया है। जैसे 10 लेवल होगा मैं अपने मेन अकाउंट में यहाँ से 3 ये कार्ड भेज दूंगा, एक्सपीरियंस कार्ड। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, दबा के रैंक खेलना है, ठीक है, पूरा रैंक खेलो, दिन भर रैंक खेलो, आपका बहुत जल्दी लेवल अप होगा, ठीक है। 3 कार्ड आप भेज देते हो यानी कि 7 3 21 21 डेज के लिए आपके पास एक्सपीरियंस कार्ड है। 21 डेज आप रैंक खेलो, आप बहुत जल्दी आपका लेवल अप होगा, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही काम की ट्रिक मैंने आपको बताई है। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।